हाय गाइस, इट्स मी विवेक फ्रॉम रोज स्टूडियो। सो गाइस, आज का जो ट्यूटोरियल है कि हम एडोब प्रीमियर में कैसे की फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। जिसकी मान लो मैंने एडोब प्रीमियर ओपन कर लिया, उसके बाद हम की फ्रेम यानी कि हम की फ्रेम को करके हम स्केल या पोजीशन हम कैसे उसको मूव कर सकते हैं। चलिए दिखाते हैं। मेरा एक नॉर्मल वीडियो है। ओके, तो मान लीजिए इसको म्यूट करेंगे हम। मान लीजिए मेरा ये वीडियो है, तो इसको जहाँ जहाँ स्केल करना है, पोजीशन करना है, वो करेंगे हम। तो मुझे यहाँ लाना है, तो हम क्या करेंगे, हम स्केल, ये है की फ्रेम। ओके, की फ्रेम, इसे कहते हैं की फ्रेम। तो हम इसको इतना तक जाएंगे। ओके, और हम इसको बढ़ा देंगे। कूल, अब देखिए, ये देखिए स्केल हो गया, जूम इन हो गया। उसके बाद हम इसको फिर हम इसको जूम आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू की फ्रेम। तो हम इसको जूम आउट कर देंगे। उसके बाद ये देखिए, ऑलराइट। उसके बाद और अगर आपको लाना है, लाइक मैंने जूम किया लिटिल बिट, ओके, एंड मैंने पोजीशन यूज़ किया। उसके बाद थोड़ा इधर जाएंगे और बिट, ओके, मूवमेंट कर दिया मैंने। अब देखिए मूवमेंट हो रहा है राइट साइड में, ये देखिए राइट साइड में मूवमेंट हो रहा है उसे, है ना। फिर हम इसको जूम आउट कर देंगे। ऑलराइट, तो यही है की फ्रेम गाइस, आपको जिस हिसाब से चाहिए। फिर हम इसको कम कर देंगे, ये कैप हो गया। तो हम इसको ऑलराइट, ये देखिए, ओके, जूम आउट, जूम इन एंड पोजीशंस के राइट साइड, लेफ्ट साइड, आपको जहां पे मूव करना है कर सकते हो। तो यही गाइस की फ्रेम, चाहे तो बड़ा कर सकते हैं उसको जितना तक चाहिए आपको, ठीक है। तो ठीक है गाइस, ऐसे नए नए और वीडियोस लाते रहेंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारे जितने भी नए नए वीडियोस हैं आप तक पहुँचे। बाय बाय, टेक केयर।